भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सुमैया हमेशा विपक्ष के चरित्र और भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं। विरोधियों से हिसाब किताब की मांग करने वाले किरीट सुमैया का कल प्रसारित हुए आपत्तिजनक वीडियो से चरित्र धूमिल हो चुका है। इसके चलते आज जूते मारो आंदोलन का आयोजन महाराष्ट्र के साथ साथ नागपुर में भी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे महिला अघाड़ी द्वारा किया गया। इस दौरान पूर्व विदर्भ महिला संपर्क प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रोफेसर शिल्पा बोड़की के नेतृत्व में वैरायटी चौक पर जूते मारो आंदोलन का आयोजन किया गया। किरीट सोमय्याचा जो आक्षेपार्ह व्हिडिओ काल समाज माध्यमावर आणि न्यूज चॅनलवर प्रसारित झाला, या किरीट सोमय्याचा हा एकच व्हिडिओ प्रसारित झाला एवढा वादळ उठलं। जो किरीट सोमय्या महाराष्ट्राला भ्रष्टाचार मुक्त करायला निघाला, हातोडे घेऊन निघाला, लोकांचे घरं पाडायला निघाला, लोकांवर विरोधकांवर ईडी सीबीआयची धमकी देऊन दबाव टाकून त्यांचा हिशोब करायला निघाला, माझा भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना प्रश्न आहे की तुमच्या या भाजपाच्या या तुमच्या नेत्याला नेत्याचा तुम्ही हिशोब घेणार आहात का? या जी माहिती ऐकू आहे, जी माहिती कानावर आलेली आहे की या भाजपाच्या नेत्याने किरीट सोमय्याने आतापर्यंत किमान 40 महिलांचे शोषण केले, ही गोष्ट काही छोटी नाही आहे। या किरीट सोमय्याला भारतीय जनता पार्टीने झेड सिक्युरिटी दिली, आमचा जनतेचा पैसा का रस्त्यावर पडलाय का? या किरीट सोमय्याची पहिले झेड सिक्युरिटी काढा, या किरीट सोमय्याला पहिले अटक झाली पाहिजे, त्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे। त्याने आज म्हटलं की माझी चौकशी करा म्हणून गृहमंत्र्याला पत्र दिलं, आमचा ह्या गोष्टीला विरोध आहे। आम्हाला किरीट सोमय्याची चौकशी गृहमंत्र्याकडून नको, कारण क्लीन चिट कोण देतं हे पूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे। आम्हाला किरीट सोमय्याची उच्चस्तरीय चौकशी पाहिजे आहे, सीबीआय चौकशी पाहिजे आहे, आणि सर्वप्रथम याची अटक आणि त्याच्यानंतर निष्पक्ष चौकशी करा। आज आम्ही फक्त किरीट सोमय्याच्या थोबाडावर जोडे मारलेले आहे, संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठलेला आहे, कारण की ज्या महिलावर अन्याय झाला आज एक एक महिला पुढे येणार, आता हळूहळू पुढे येतील, ज्यांच्या ज्यांच्यावर यांना अन्याय केला त्या त्या महिला पुढे येतील आणि आम्ही त्या महिलांना पुढे आणू। कारण असा महिलांवर अत्याचार करणारा, महिलांचं शोषण करणारा, विकृत मानसिकतेचा जर कुणीही व्यक्ती असेल तर त्याचा शिवसेना महिला आघाडी कायम निषेध करते। सगळ्यात प्रथम काल एका न्यूज चॅनलवर एक विकृत मानसिकता असलेल्या व्यक्तीचं जे एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ जे व्हायरल झालेले आहे त्या याचा आम्ही सगळे इथे निषेध करण्याकरता इथे उपस्थित झालेलो आहो आणि आज आम्ही इथे जोडे माझं आंदोलन घेतलेलं आहे। आणि माझा एक प्रश्न गृहमंत्र्यांना आहे की आमचे जे माता भगिनी आहे अशा माता भगिनीवर जे अत्याचार होत आहे, अन्याय होत आहे, अशा व्यक्तींना आपण अटक करून त्याच्यावर चौकशी करणार, कारवाई करणार की त्यांना क्लीन चिट देणार, हा माझा एक आजचा प्रश्न आहे गृहमंत्र्यांना। महिला मोर्चा की मांग है कि पहले किरीट सुमैया को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। शिवसेना जिला प्रमुख और भंडारा विस्तारक आज जो किरीट सुमैया ने जो प्रकरण हुआ है लोकशाही ने सबसे सामने आया है। आज पूरे प्राध्यापक शिल्पाताई बोर्ड के संपर्क में इनके निर्देशन में आज हम ही भारी मात्रा में महिला और युवती आए हैं। मेरा एक सवाल है आदरणीय देवेंद्र जी से कि आज आप बोलते हैं कि हम हिंदुत्व है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो आंदोलन आप जो शिक्षा अभियान शुरू करें, पर आपकी ऐसे कोई नेता किरीट जी सोमैया हैं जो महिला के आर्थिक शोषण कर रहे हैं, लैंगिक शोषण कर रहे हैं, तो आप इस ऐसे जैसे लोगों को आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने सिर्फ उनके लिए ईडी के कारनामे के लिए या लोगों के लिए भारी निकालने के लिए काम के लिए उनको सिर्फ बोलने के लिए रखा है और उनको झेड सुरक्षा इसलिए दी कि वो महिला का लैंगिक शोषण करते रहे, उन पर अत्याचार करते रहे। तो देवेंद्र जी, आज आप गृहमंत्रियों ने हमको आज शर्म झुकती है हमारी कि आपके ऐसे नेता आपके इसमें सरकार में शामिल हैं। वैसे संजय जी राठौड़ जिन्होंने महिलाओं पे युवती पे बलात्कार किया वो आपके इसमें मंत्री में है। आज गिरीश जी सोमैया जो लैंगिक शोषण कर रहे वो आप पे हैं और आप हमको उद्धव साहब को बोलते हैं कि आपने क्या किया, हमको अभिमान है आदरणीय उद्धव साहब पे कि उन्होंने मंत्री पद से ऐसे लोगों को निकाला है। शिवसेना में ऐसे दाग वाले लोग नहीं है, बेदाग वाले अच्छी छवि है। आज पूरे भारी मात्रा में हमारी शिल्पाताई बोर्ड के उनके नेतृत्व में आज सब महिला यहाँ पे जमे हैं। आज जोड़ो मारे आंदोलन इनको किया है, मैं पूरी महिलाओं की ओर से नागपुर जिला के इनको जोड़े मारती हूँ और देवेंद्र जी से बोलती हूँ कि इनको तुरंत अटक करो और इनको छोड़ो और इनको हकल पट्टी करो पक्ष से। जय 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 भवानी। आज ज्याने आमच्या शिल्पाताई बोडकेच्या नेतृत्वामध्ये जो आम्ही जोडेमार आंदोलन महिला आघाडीच्या वतीने केलेलं आहे, इथे सगळ्या पदाधिकारी महिला आमच्या उपस्थित आहे आणि आम्ही हे जर यांना
जेल झाली नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करून असा आम्ही आवाज आणि इशारा व्यक्त करतो एवढं बोलून माझे। विरोध प्रदर्शन में जिला संयोजिका सुरेखा खोबरागड़े, पूर्व पार्षद मंगला गवरे, विधानसभा संगठक क्षमा निमसरकार, माधुरी पालीवाल, अपूर्वा पिटेलवार, अर्चना बड़ोले, आरती कुड़गवे, रंजना राजपांडे सहित महिलाएं उपस्थित थी। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।